कुलचा लैंड पे, तो मतलब इतना मजा आया इनका कुलचा और इनके छोले खा के, मैं बता नहीं सकता कि इतना मजा आया। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो गाइस कैसे हैं आप सब? तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 3 बज रहे हैं, रात के बोल लो या सुबह के 3 मान लो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं अभी जा रहे हैं हम अमृतसर पंजाब। जी हाँ, आपने सही सुना, हम जा रहे हैं अमृतसर पंजाब। कहाँ जा रहे हैं? नकोदर जी है, नकोदर जी साईं जी के पास हम जा रहे हैं। तो आपको बताना था कि साईं जी, आपको पता ही होगा नकोदर जी दरगाह आपने देखी होगी, तो ठीक है हम वहीं जा रहे हैं। चलो फिर हमारे साथ चलो, हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो अब हम नीचे उतर रहे हैं, गाड़ी हमारी नीचे रेडी है। और अभी बाहर देखा तो बारिश भी बहुत तेज़ आ रही है, लास्ट टाइम गए थे तो बारिश उस टाइम भी बहुत तेज़ आ रही थी और अभी भी बहुत तेज़ आ रही है। तो मेरी बहन भी रेडी हो गई है, सिस्टर भी रेडी हो गई है। हेलो। तो ये भी रेडी हो चुकी हैं, अपने ससुराल से आई है। हाँ, नकोदर जी ये आना नहीं हो रहा था, जा रही है ना, हाँ। ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम जा रही है, बाकी ये आ नहीं पा रही। लास्ट टाइम तुम गए थे तब भी बारिश थी, आज भी बारिश है। जब हम ये लोग जाते हैं तब बारिश होती है, आज भी बारिश है, आज भी हम जा रहे हैं, आज भी बहुत तेज बारिश हो रही है। अब देखते हैं वहाँ का मौसम कैसा है, दिल्ली वहाँ का तो पंजाब में, अगर दिल्ली में अच्छा हो रहा तो पंजाब में सबसे पहले मौसम अच्छा रहता है। नकोदर जी का तो वैसे ही अच्छा रहता है, मौसम अच्छा रहता है। चलो दी, आज तो आपको बुलाया है साईं जी ने, साईं जी का बुलावा आया है, नकोदर साहब जा रहे हैं, तो मिलते हैं साईं जी के वहाँ पे, मिलते हैं जब बाहर पहुंचेंगे, आपको मिलाते हैं, आप लोगों को दर्शन कराएंगे, मिलवाएंगे आप लोगों को। तो चलते हैं नीचे, आइए। चलो, तो ये हम निकल गए हैं और अभी सिग्नेचर ब्रिज पहुंचे हैं फिलहाल। बाकी आप देख ही रहे हैं कि बारिश भी छोटी छोटी बूंदें हो रही हैं, जिससे बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। और सुबह होने वाली है, सुबह का नज़ारा दिखने वाला है। हाजी आ गए सुखदेव, सुखदेव पे आए हैं, अब हम जाएंगे नकोदर जी। ये और डुगरी, और डुगरी, और आप मैडम? अरे आपको पराठा खा ली थी, पानी ही बोतल चाहिए, पानी ही बोतल चाहिए। चलो, ऐसे लग रही है जैसे दिसंबर की ठंड, नवंबर की ठंड, ऐसे ठंड लग रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, बारिश। हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, मौसम चेंज हो गया, ठंड सर्दी हो गई। हम पराठा खाएंगे यहाँ पे, आलू प्याज का पे, फिर जाएंगे आगे, फिर जाएंगे अपने रास्ते। ठीक है, फिर आ रही है वो भी। ये आ गया हमारा आलू का पराठा, हमने अभी पराठे खा लिए हैं, चाय पराठे खा लिए हैं। और सुबह का टाइम हो रहा है, पीछे देखो अंदर भी इतना ज़्यादा रश है और यहाँ बाहर भी इतना क्राउड है, वो भी मॉर्निंग के टाइम में, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे। तो पराठा खा के हर बार की तरह मज़ा ही आ गया है, जैसा पराठा होता है यहाँ का। पराठा बहुत टेस्टी था, और चाय भी स्वाद थी ना, दही भी मीठा था, दही भी मीठा था। हाँ, तो हमने खा लिया है, अब नाश्ता वास्ता कर लिया, अब हम निकलेंगे यहाँ से, फिर जहाँ भी रुकेंगे या जहाँ भी जाएंगे फिर आप तक पहुँचाते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। ओके ओके, बाय। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये रही मम्मी, ये रही गाड़ी, तो हम गाड़ी में बैठेंगे अब। नहीं, 120 पे भी जाता है, ट्रकों को पार कर रहे। तो भाई लोगों, अभी हम खन्ना पे रुके थे, मैकडोनल्ड्स पे, जैसा आप देख रहे होंगे पीछे मैकडोनल्ड्स पे रुके थे, कुछ खाया पिया है हमने, सबवे भी है वहाँ साइड में, उस साइड में सबवे भी है, लेकिन हमने मैकडोनल्ड्स को प्रेफर किया क्योंकि मैकडोनल्ड्स का थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो हमने अभी खाया पिज़्ज़ा वगैरह खाया है, तो थोड़ा फ्रेश वगैरह भी हो गए हैं। ठीक है, कौन सा गुरुद्वारा बताया था, शीशे वाला? शीशे वाला गुरुद्वारा है, वहाँ मना है कि अंदर वीडियो वगैरह शूट नहीं करनी, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं पॉसिबल हुआ तो हम ही मत्था टेकेंगे वहाँ पे। ठीक है, बाकी फ़ोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं, बाकी आपको आगे दिखाएंगे।
अभी ये जा रहा है अपनी वीडियो फोटो क्लिक करवाने। आ रही हूँ, सीधा है, अभी ऊपर जा रहा है। हाँ मैं ध्यान से ही आऊंगी, ध्यान से नीचे देख ले, कोई बात नहीं। नहीं नहीं ठीक है, ध्यान से नीचे वो है। चल चल यहाँ फोटो खिंचवाएंगे, दिखा ये चीज, दिखा यहाँ पे एक फोटो खिंचवाएंगे। हाँ तेरे को वीडियो वो फोटो नहीं खिंचवानी क्या? नहीं को नहीं खिंचवानी। क्यों? नहीं 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 यार खिंचवा ले, इतनी दूर आई है तो खिंचवा ली फोटो बहुत सारी। आओ तुम्हारी फोटो लूं, आओ। ये मैकडोनल्ड्स हो गया, ये सबवे हो गया, और मम्मी कहाँ गई? अच्छा मम्मी क्या हाँ। अभी हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, शीशे वाले गुरुद्वारे जा रहे हैं, दोराहा में। अच्छा उसके बाद जाएंगे लाटे शाह जी हाँ, और नकोतर जी हाँ, इंदिरा। चलो फिर बैठो, बैठते हैं गाड़ी में। तो गाइज ये हम आ चुके हैं पिंड में, दरोहा पिंड है, यहाँ पे अभी हम शीशे वाला गुरुद्वारा देखेंगे। यहाँ से हलवा प्रसाद मिला, हलवा प्रसाद खा के इतना सुकून मिला दिल को कि यहाँ के शरीर की सारी दुख बीमारियाँ सब दूर हो जाती हैं। अब मेरा भी सर ठीक हो जाएगा हमेशा। हाँ, बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्ट। आप लोगों को तो पता ही गुरुद्वारा, और ये नहीं कि गरम गरम था या कुछ, थोड़ा सा ठंडा भी था, ठंडा भी था और तब भी इतना स्वाद टेस्ट था, टेस्टी था, बहुत अच्छा था। गरम गरम नहीं था, ठंडा था, तब भी इतना स्वाद लग रहा था। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं डुगरी गुरु जी के आश्रम। डुगरी में है गुरु जी का आश्रम, जैसे दिल्ली में बड़ा मंदिर है वैसे डुगरी में है गुरु जी का आश्रम। हम वहाँ मत्था टेकेंगे फिर जाएंगे नकोदर जी। गुरु जी का जन्म यहाँ ही हुआ था डुगरी में, यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है गुरु जी का घर है ये। यहाँ दोस्तों शीशे वाले गुरुद्वारे में बिल्कुल ही मना था कि ना फोटो अलाउ है ना वीडियो अलाउ है, और मैं बाहर से भी नहीं ले पाया हूँ क्योंकि बाहर से भी बिल्कुल ही मना था, स्ट्रिक्टली मना था, नहीं तो मैं बाहर से भी आप लोगों को दिखाई देता कैसे ना कैसे करके। तो गाइस हम निकल रहे हैं अभी, डुगरी में आए थे जैसा हमने आपको बताया था, डुगरी आए थे हम गुरु जी के मंदिर देखने, तो निकल रहे हैं। और यहाँ पे भी अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता है इसलिए मैं अंदर से बना नहीं पाया हूँ, तो आपको थोड़ा सा बाहर से दिखा दूंगा क्योंकि उन्होंने मना किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कि कोई नहीं थोड़ा सा कर लूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। और आसपास का ये देखो, यहाँ पूरी संगत बैठ के, मतलब इतनी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर संगत के लिए बनाया हुआ। चले मम्मी, ये गुरु जी का गाँव है। हाँ ये पूरा गाँव है और घर हुआ है। हाँ वो जी का मंदिर है, कोठी है पूरी इनकी। ये जैसा आप देख रहे हैं ना, ये है गुरु जी की कोठी जहाँ गुरु जी रहते थे। ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ रहते थे गुरु जी। ये है डुगरी, तो आप भी दर्शन कर लो। जय गुरुजी, निकल रहे हैं अब। तो गाइज अभी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जैसा आप देख रहे हैं कि मैं पूरे खेत ही खेत में हूँ, तो मेरा तो देखो वापस जाने का भी दिल है नहीं अभी, वैसे जाना भी नहीं है अभी, तो आज पहला ही फर्स्ट डे हुआ है। अभी तो हम नकोदर जाएंगे, अभी तो डुगरी से मत्था टेक के आए हैं, ठीक है। जैसा आप पीछे देख रहे हैं बोरा कोने में जिसकी रेड कलर की वो जो ऊपर छत सी बनी हुई है, वो है डुगरी, वो है गुरुजी का घर जहाँ गुरुजी पैदा हुए थे, जहाँ गुरुजी रहते थे। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे खेतों में, मेरा तो बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं है, और क्या ही बोलूँ कि बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब यहाँ पे इतनी फ्रेश एयर है, कोई भी पोल्यूशन नहीं है किसी भी तरीके का, और इतना अच्छा लग रहा है। आप लोग भी देखिए, आप लोग भी देखो कितना अच्छा व्यू है, कितना आप लोग भी देखिए कितना अच्छा व्यू है। और आप लोग भी अगर कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो एक बार पंजाब में जो है
डुगरी जरूर आएं, वहाँ पे पिंड घूमने का भी मौका मिलेगा और आपको गुरुजी के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। तो हम फिर निकलते हैं, गाड़ी में बैठेंगे, अब फिर निकलेंगे हम नकोदर जी के लिए। पहले बीच में कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर निकलेंगे हम नकोदर जी के लिए। ठीक है, देखो ना कोई यहाँ जाम रहता किसी तरीके का, ना कुछ रहता, ये देखो ना कोई जाम है ना कुछ है। और ये पेट्रोल पंप है गुरुजी के दरबार के पास। हाँ, यहाँ सारी बसेज रुकती हैं जो दिल्ली से आती हैं ना, सारी बसेज यहीं पे रहती हैं, बाकी आगे जाके गुरुजी का है। और ये देखिए यहाँ का मौसम कितना प्यारा हो रहा है, एकदम मस्त मौसम हो रहा है। और ये गुरुद्वारा अपना, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जब भी हम लुधियाने में आए हैं, कुलचे लैंड के पास आए हैं इनका कुलचा खाने, क्योंकि हमने सुना है यहाँ पे फेमस है इनका कुलचा लुधियाने में। तो आइए चलते हैं, कुलचा खाते हैं। फेमस है कुलचा लैंड का कुलचा, अब हम हाँ। कुलचा खाएंगे यहाँ पे, देखते हैं, हम फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, हाँ। देखते हैं लुधियाना कैसे में फर्स्ट टाइम खा रहे हैं यहाँ पे कुलचा। तो आइए अंदर चलते हैं। वो उससे भी अच्छे खिलाओ। नहीं नहीं हो रहा है मम्मी, हो रहा है बढ़िया से छोले कुलचे पंजाब की। हाँ छोले कुलचे लैंड। अरे खा तो लस्सी भी हो, मैं भी रख देना भैया। ये आ गए कुलचे हमारे, ये है लुधियाना के कुलचे। तो क्या भी कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक नहीं, एक लेगी आगे देंगे। कितने नो आप कोल्ड ड्रिंक? लस्सी, कोल्ड लस्सी, कोल्ड ड्रिंक ब्रेक लस्सी, मैं भी लस्सी ले लूं। मजा या कोक वगैरह? ये है स्वाद है, सही में स्वाद है। भोग लगा दी मम्मी, गरम होता है, बहुत टेस्टी। अच्छा मम्मी, बहुत टेस्टी, फाइव स्टार होटल की फिलहाल। चलो मैं भी खा रहा हूँ, एकदम टेस्टी है, करारा भी है, दिखा बहुत अच्छा, मुंह से पानी आएगा। मम्मी कैसा है? ज़्यादा टेस्टी, मैंने फाइव स्टार होटल का फिलहाल। अभी ये आई है लस्सी, क्या मंगाया ये? लस्सी कुलचे का, कुलचे लेने एक ही लस्सी चल रही है। कालू भी देख लिया, और ये मैंने मंगाई है कोक, मैं कोक पीऊंगी, लस्सी नहीं पीती मैं। एक मंगा रहा ना एक्स्ट्रा, मैं तो आधा लूंगी। तो लुधियाने में हम आए थे सरदार जी के पास, पाजी क्या नाम था? रमनदीप, कुलचा लैंड पे। कुलचा लैंड पे, तो मतलब इतना मजा आया इनका कुलचा और इनके छोले खा के, मैं बता नहीं सकता कि इतना मजा आया। मतलब मैंने इतनी यहाँ की चीजें खाई, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुलचा नहीं खाया ना ऐसे छोले खाए, और दिल्ली में तो ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, मजा आ गया पाजी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, जैसा मैंने भी आपको दिखाया कि यहाँ के छोले कुलचे खा के इतना मज़ा आया, क्रिस्पी कुलचे और मसालेदार कुलचे, तो मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का। तो आप अगर लुधियाने में आते हैं तो कुलचे लैंड पे ज़रूर आइएगा और यहाँ के छोले कुलचे खाइएगा, आपको भी मज़ा आ जाएगा। तो हम निकल चुके हैं और अभी तो थक गए हैं, अभी नकोदर जी नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। तो अभी हम होटल में जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर कल जाएंगे नकोदर जी, मिलते हैं कल।